Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक और मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल। और आज की हमारी वीडियो एनवीडिया ग्राफिक के ऊपर है, जो इंस्टॉलिंग करते समय ज़्यादातर एक एरर आता है, जो कि कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलता है। एनवीडिया इंस्टॉलर कैन नॉट कंटिन्यू और दो ग्राफिक जो है हमारी फेल हो जाती है, इंस्टॉल नहीं हो पाती। तो इसी में वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप फिक्स कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा वीडियो पूरा कंटिन्यू देखें, बिल्कुल स्किप मत करें। आप स्किप कर देते हो इसलिए फिर बाद में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो फिर आप फॉलो करते रहिए सारे स्टेप को। ये जैसे कि मैं लोकल डिस्क सी में आया पड़ा हूँ, सी में मेरे यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट कर रखा अपने ड्राइवर फोल्डर को, जिसमें मेरा सेटअप है। अब आपको यहाँ ड्राइवर पे जाना है, वीडियो ड्राइवर जैन वीडियो ग्राफिक का पूरा फोल्डर एक्सट्रैक्ट हुआ है। सेटअप एक बार क्लिक करके देखते हैं इंस्टॉल होता है कि नहीं। जैसे एक सिस्टम चेक कर रहा है और देखे फिर से यही प्रॉब्लम आती है। दिस ग्राफिक ड्राइवर कुड नॉट फाइंड कंपेटिबल ग्राफिक हार्डवेयर। तो इसमें हार्डवेयर जो है अभी मैच नहीं हो पाता, इस वजह से एरर आता। तो चलिए इसको फिक्स करते हैं। सबसे पहले आपको राइट क्लिक करके इस पर मैनेज पे जाना है। अब आपका डिवाइस मैनेजर ओपन हो गया, फिर आपको डिवाइस मैनेजर पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको डिस्प्ले अडाप्टर पे जाना है। अभी आप देख सकते हैं इसमें कोई भी ग्राफिक इंस्टॉल नहीं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाके जैसे कि प्रॉपर्टी क्लिक करा और फिर यहाँ पे हमें डिटेल्स पे जाना है। डिटेल्स पे आने के बाद आपको प्रॉपर्टीज़ में फिर क्लिक करना और यहाँ हमें हार्डवेयर आईडी नाम का एक ऑप्शन ढूंढना है, जो ये रहा। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपके हार्डवेयर आईडी आ चुकी हैं और इसमें आपको सबसे पहले वाला जो है ये PCL/VEN नाम से, इसको कॉपी कर लेना है। ये आपके सिस्टम की ड्राइवर आईडी है ग्राफिक की। फिर इसको कट कर देते हैं और अब फिर अपने फोल्डर पे आते हैं ग्राफिक कार्ड वाले। और फिर हमें यहाँ पे डिस्प्ले डॉट ड्राइवर पे जाना है। इसमें आने के बाद हमें NVDM नाम की एक सेटअप इन्फॉर्मेशन वाली फाइल है, उस पर हमें क्लिक करना है। उसको इस पर हाँ ये रही, इस पर चलिए क्लिक कर देते हैं। इसको फिर ओपन करने के बाद अब आप इसको बहुत ध्यान से यहाँ पर आपको काम करना है। पहले तो आप नीचे आते जाइए थोड़ी देर तक, थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे आना है। नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा जो अभी थोड़ी देर में आएगा। और नीचे आते जाइए, हाँ जैसे कि रहा NVIDIA सेटेड डिवाइस, जो ये ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे आपको जो सबसे पहला वाला है, इसमें आपको ना PCL जो मैंने यहाँ नोटिस कर रहा हूँ इतना आपको ना रिप्लेस कर देना, जो हमने अभी एड्रेस कॉपी किया है हार्डवेयर का, इससे हमें इसको रिप्लेस कर देंगे क्योंकि किसी और ड्राइवर की है। सिर्फ पहला वालों को, पूरे को नहीं, सिर्फ पहले वालों को हमने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पेस्ट कर देना है और हम बैक स्पेस दबा के जो स्पेस है इसे हटा देंगे। हट चुका है। अब इतना हो जाने के बाद हम थोड़ा और नीचे आके देखते हैं। अगर आपको ऐसे और फोल्डर, ऐसे और ऑप्शन मिलते हैं तो आपको उस पर भी सबसे पहले वाले पर क्लिक करके फिर चेंज करना पड़ेगा। ज़्यादातर NVIDIA की प्रॉपर्टीज़ में ऐसा होता है, पर इस वाले में तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, नहीं है इसमें, नहीं है। तो चलिए इसको यहाँ पे सेव कर लेते हैं, जो हमने आईडी चेंज कर दी हार्डवेयर की, और इसको कट कर देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ, कई बार क्या होता है आप पेस्ट करने के बाद उसको सेव नहीं करते हो तो तभी वो वापस वैसी हो जाती है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ कि ये जो हमारा सेव हो चुका है रिप्लेस होके आईडी, और मैं लास्ट में 09 था जो मैंने अभी चेंज किया था, और वो ये रही सबसे पहली वाली यार लास्ट में। दोस्तों आप देख सकते हैं /09 से है, मतलब ये हम अपने सिस्टम की आईडी रिप्लेस कर चुके हैं। अब इसको आपको सेटअप पे वापस आना है। सेटअप पे अब इंस्टॉल करके देखते हैं होता है कि नहीं। अब मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए। चलिए वेट करते हैं थोड़ी देर, देखते हैं क्या बताता है। चेकिंग कर रहा है सिस्टम कंप्लीट। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे अब जो हो चुका है हमारे एकदम प्रॉब्लम जो है फिक्स हो चुकी है। और अब आपको इजीली इसको आप इंस्टॉल जो है कर सकते हैं। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए और इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर कोई आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसका सोल्यूशन दे दूँगा। जैसे कि करते हैं इसको एग्री इंस्टॉल करके देखते हैं, क्लिक
कस्टम पे क्लिक करना है, फिर एडवांस ऑप्शन पे, क्योंकि पहला वाला फ्री जो पहले से एग्जिस्ट होगा उसको अपडेट कर देगा, तो हमने शुरू से इंस्टॉल करनी है, तो इसलिए फिर हम कस्टम पे करके नेक्स्ट, इसको परफॉर्म एक क्लीन इंस्टॉल पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट। अब यहाँ पे इंस्टॉलिंग के समय ये कम से कम 10 से 15 मिनट लेगा इंस्टॉल होने में, तो यहाँ पे आपको वेट करना है जब तक ये पूरी तरह प्रॉपर इंस्टॉल हो नहीं जाता है। अभी तो फ़िलहाल ये प्रिपेयरिंग ले रहा है इंस्टॉलिंग के लिए, थोड़ी देर में हमारा ड्राइवर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे हमारी ट्यूटोरियल्स आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। जैसे कि इंस्टॉल होना शुरू हो गया और यहाँ पे जैसे मैंने बताया 10 से 15 मिनट का टाइम लेता ही है इंस्टॉल होने में, तो करते हैं मिनिमाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।